अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। सागर में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस संगठन की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे से हताश से निराश कार्यकर्ताओं में जान फूंकों ने लोकसभा चुनाव के लिए संगठित होकर बूथ स्तर पर कांग्रेस आम मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पर्यवेक्षक रामचंद्र जी का मार्गदर्शन भी कार्यकर्ताओं को मिला और उन्होंने सभी से संगठित होकर पूरी ताकत के साथ चुनाव में काम करने की बात कही। सम्मेलन में लगातार कांग्रेस नेताओं पर होने वाली सत्ताधारी दल के दबाव में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भी आक्रोश के स्वर उठे और जिला अध्यक्ष ने सभी को चेताते हुए अपनी गुटबाजी से उभर एक होकर ऐसी मामलों में विरोध के लिए आगे आने की बात कही। उन्होंने खुलकर इस बात पर आपत्ति उठाई और कहा, जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मेहनत परिश्रम कर रहा है, उसका फल इसलिए नहीं मिलता, हमारे ही कुछ वरिष्ठ नेताओं का सहयोग नहीं मिलता, जिससे संगठन की यह स्थिति है। जिला अध्यक्ष ने चुनावी रणनीति के मद्देनजर जिसे जो जिम्मेदारी मिले उसके लिए काम करने पर जोर दिया। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी, तो वहीं लोकसभा टिकट के लिए दावेदार के नामों पर भी पदाधिकारी और रामचंद्र जी के बीच चर्चा हुई है। कांग्रेस का विधायक हो, हमारे कांग्रेस का महापौर हो, हमारे कांग्रेस का सांसद हो और हमारी कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है, ये अपने नाकाम जो इरादे इनके होते हैं, जो इनके विचार जो इनके हैं, वो विचार इनके काम कर जाते हैं। हम सारे परिवार के लोग कभी मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बराबर मेहनत करता है, और इस बार सबने दिल खोल के मेहनत की थी, जिससे जो भी बन पड़ा सबने किया, लेकिन हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया और आज हमारी भाभी विधायक नहीं बन पाई। तो हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हम लोग हारे हैं, हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग जीते हैं, हम लोगों को हराया गया है। इन्होंने सारे शहरों में हर जगह इन्होंने अपनी कूर्ता दिखाई है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम हारे हैं और ना कभी किसी की बातों में आना है। बीजेपी वाले हमेशा जूम मीटिंग थी प्रदेश कांग्रेस की, हमारे जीतू पटवारी जी से लेकर बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी उसमें जुड़े थे, पूरे प्रदेश के कांग्रेस के लोग आज उसमें जुड़े थे, हम लोग भी उसमें थे। आइए, ये बात अब हम लोग नहीं कह रहे, वो लोग भी कह रहे हैं और ये हकीकत है, क्योंकि उन्होंने तो वोट दिया है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, उन्हें यही लग रहा था सरकार भी और परिवर्तन भी और कांग्रेस के विधायक भी, सब लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, कमलनाथ जी की सरकार बनाना चाहते थे, किंतु जो कुछ हुआ सब लोगों के सिर के ऊपर से जा रहा है। हम सारे लोग निश्चित रूप से दुखी हुए, लेकिन इससे हमें निकलना ही होगा, क्योंकि भाजपा आपको मौका नहीं देगी, आपको इस सदमे में पड़े रहो और वो इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। हल्ला करेंगे राम मंदिर का, हल्ला करेंगे लाडली बहना का, कुछ भी करेंगे और खेल कहीं और हो जाता है, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है। लोकसभा का चुनाव हमारे राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी, प्रियंका जी, हमारी सोनिया जी और खड़गे जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप सारे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि राहुल गांधी जी की कितनी मेहनत हो रही है। आदरणीय आशीष भाई थे, त्रिलोकी भैया उस समय निगम अध्यक्ष थे, तो तब सरकार गई गई थी, लेकिन त्रिलोकी भैया निगम अध्यक्ष थे तो हमें बड़ी ताकत थी, हम बहुत छोटे थे, हम उस समय कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ नहीं करते, उस समय अपने मार्गदर्शक भी होते, यानी सीआई के मार्गदर्शक भी होते। हमारा पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता तो तैयार है, लेकिन जो हमारे पुराने मठाधीश है, नेता है, तो अभी भी नहीं जीत रहे। भाजपा अपनी रोज की रणनीति में लगी है, रोज की काम में लगी है, उनका पूरा वर्किंग चल रहा है। हमने विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, हमारी नेत्री निधि जैनी ने, हम जितना सोचते नहीं थे उतना उन्होंने
आपकी निगम चुनाव में भी मेहनत की और उससे ज्यादा उन्होंने विधानसभा चुनाव में मेहनत की। कई वार्डों में जाते थे तो भाभी रोक के बोलती थी कि देखो भैया हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। हमें याद है कि भैया ये बोल रहा है हम वोट नहीं देंगे, हम एक दिन आपने रोक के बोला था। सुनील भाई से लगे रहे लेकिन कई कारणों से अपन चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन आज भी हमारे सागर में हमारे साथ 60,000 वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन हम खुद ही अपना मजाक नहीं उड़ा रहे, हम खुद ही एक दूसरे की टांग नहीं खींचे। क्योंकि जब आप अपने ही आपको सम्मान नहीं दोगे, आप कांग्रेस को सम्मान नहीं दोगे, आप किसी का यहाँ मजाक उड़ाते हो तो दूसरा आपका दूसरे चौराहे पे मजाक उड़ाता है। 5 तारीख को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, 7 तारीख को सागर की हार स्वीकार करते हुए हमने उन्हें लिखित राइटिंग में इस्तीफा भेज दिया था कि हम सागर की हार स्वीकार करते हैं, उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं हमारी जिम्मेदारी। लेकिन अध्यक्ष कोई भी रहे, काम कोई भी रहे, अगर आप कांग्रेस के प्रति वफादार और ईमानदार नहीं रहेंगे तो आज जो दुर्गति है, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष पे 307 लगा दी गई एक झगड़े सागर में। हाँ, हमारे नगर निगम के जो 307 लगा दिए। अभी एक न्यूज आई है जो सुनील भाई ने दिखाई कि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। अगर हम आप संगठित नहीं रहे, हम आप एक दूसरे का सम्मान नहीं रखेंगे, एक दूसरे की कब्र खो देंगे, तो तय है कि मुश्किल से मुश्किल जितने बड़े भी नेता हो, कितनी किसी की किसी बात पाई से सेटिंग हो, 6 महीने और 1 साल के बाद कहानी आपकी भी खत्म हो जाएगी। तो आप सभी से यही निवेदन है, कमलनाथ जी ने जो मेहनत बनी उनने की, हम लोगों ने की। रामचंद्र जी, हम लोगों पे ऐसी डांट पड़ती थी कि आप सोच नहीं सकते, कमलनाथ जी 2-3 दिन बाद फोन लगा दे, आपने बनाया हमें बिल्कुल साथ से स्वीकार जनता में इसको, या भाजपा के सामने हमें स्वीकार करने में वो हम पे फिर टीस कसते हैं कि अरे तुम तो कांग्रेस हो, अरे कांग्रेस ही है तो हम हिंदू पहले हैं। हमें स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए, आप स्वीकार करो कि हाँ हमारा मंदिर बना ठीक है, लेकिन हमारा मुसलमान भाई भी हमारे साथ, हम उसको साथ लेके चल रहे। तो दौर इतना अभी कठिन नहीं है, 60,000 वोट हमारे पास सागर के रहे हैं। अगर हम संघर्ष करेंगे तो लोकसभा चुनाव में रामचंद्र जी हमसे बराबर बातचीत कर रहे हैं। प्रत्याशी की चर्चा कम से कम 5 बार हो चुकी है, कई नामों पर कई दौर की चर्चा कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम ऐसा नाम निकल के आए कि भाजपा का जो भी प्रत्याशी रहे तो हमें लगना चाहिए कि हमारा भी कांग्रेस का प्रत्याशी है। पता चला विधानसभा में तो उनने कहा फलाने भी मांग रहे, ठिकाने भी मांग रहे और उनने कहा 500 बायोडाटा सागर की। तो इस बार जो है आप सभी से निवेदन है कि रामचंद्र जी से जो भी आप डिस्कशन करें, जो भी बात करें, कि पहली बार हमारी बैठक हो जा, वो बैठकों में संगठन के लोगों से बात हो जाए, भाई जो मंडलम सेक्टर निष्क्रिय है काम काम नहीं कर पा रहे उनको हम व्यवस्थित काम पे लगा दें, या जो खाली पद उनको भर दें। परिवार साहब और दोनों हमारे अध्यक्ष है, अध्यक्ष जी भी है, इनसे अनुरोध ये है हमारा जो भी कमियां हैं इन सबको पूरी कर लें। और बात यही है कि इस लोकसभा चुनाव को हम कैसे बेहतर तरीके से लड़ सके। जहां तक प्रत्याशी चयन की बात है, मैं खाली प्रभारी हूँ, मेरा काम नहीं कि मैं प्रत्याशी चयन में करूंगा, ये तो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, वो संगठन देखेगा, मेरा तो खाली जो छोटी मोटी राय होगी मैं दूंगा। तो बाकी मेरा काम लोकसभा चुनाव तक संगठन को सक्रिय कर दे, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ले, संगठन में जो कमियां खाली पद भरे खाली पद रख है उनको भर ले, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो यही है, बाकी हम लोग चुनाव में कई सारी चीजें हैं, मंदिर का भी मुद्दा है, मंदिर का भी इशू है, जो इन्होंने पूरे देश में धर्मांधता के नाम पर पूरे देश को बांटा, ईवीएम का दुरुपयोग कर रहे हैं और बचा खुचा ईडी सीआईडी इनका उपयोग, 3 अस्त्र इनके पास अभी है, एक ईवीएम जिसे हम सब लोग समझ रहे कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा, दूसरा धार्मिक भावना पूरे देश में
भड़का के साथ पूरे देश को बांट दिया। और तीसरा है ईडी और कई लोग हमारे बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र अशोक चव्हाण जी ने छोड़ दी, तो ये सबको डर भय पैदा किया जा रहा है। जो कमाने के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, जो पदों पे महापौर है या जिला पंचायत में सब जो जा रहा है, वो सब इस चक्कर में कि 2-3 साल बच्चे कमाएंगे। तो ये जो लोग हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, पुरानी विचारधारा है। और हम सब लोग यदि इन चीजों से डर गए, फिर तो एक तानाशाह राज हो जाएगा, तानाशाह पूरे देश में सिस्टम हो जाएगा। वो भी क्या, मुझे लगता है ये लोग सत्ता में आए तो जो चाहे वो करे। अभी सुनील भाई बता रहे थे मोबाइल में कि कांग्रेस के सारे खाते सील कर दिए। ये तानाशाही जो चंदा कहीं से आता है वो रिकॉर्डेड खातों में है, वो भाजपा के पास भी आता है और हमारे पास 10 गुना ज्यादा पैसा उनके पास आता है, उनके खाते सील नहीं होंगे। सारे नियम कानून हम लोगों के लिए है। तो ये इन बातों का विरोध हम सब लोगों को आज करने की आवश्यकता है, हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। चाहे जितने भी कांग्रेस में बचे पर पूरी ताकत से पूरी मेहनत से पूरे पोलिंग स्तर पर हम लोग अभी हमारे समय हमारे बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, नए लोगों को खड़ा करें। ऐसा नहीं सब लोग डर गए, आज भी गाँव में डरते वो जो जिनके पास बड़े धंधे हो या कोई नौकरियां हो या कोई गलत सलत काम हो। कांग्रेस का आज भी ग्रामीण स्तर पर नीचे रूट लेवल पे कार्यकर्ता मजबूत है, उन्हें हम लोगों को मजबूत करने की आज आवश्यकता। उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें तैयार करना पड़ेगा और भाजपा के इस कुशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और उनके खिलाफ कुछ चीजें बताना पड़ेगी। मंदिर के मुद्दे को भी हम लोगों को थोड़ा जानकारी देना पड़ेगी। आज मध्य प्रदेश में चुनाव हुए 3 महीने हो गए, एक भी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र में एक भी वादा पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश में बहुत सारे वादे किए हम लोगों से, मोदी की गारंटी के नाम पे वोट लिए और मोदी की गारंटी में किसानों को 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, ये भी एक मुद्दा है। धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। इन मुद्दों को हम लोगों को जनता के बीच में आज ले जाने की आवश्यकता है। ऐसे छोटे छोटे इशू है, इन पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और मुझे मैं सागर में आ रहा हूँ लगातार, लेकिन मुझे लग रहा है कि सागर में बहुत ज्यादा ही दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। 2-3 दिन मंत्री अभी सुखरे भी गए थे, चाहे 50 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिए, कई लोगों को जेल भेज दिए, कई लोग डर गए। तो ये इनका भी अंत होता है, ईश्वर सब देखता है और जो अति करता है उसका अंत भी सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में 2-3 लोगों का ज्यादा ही आतंक था। शिवराज सिंह जी ने खुले रूप से छोड़ रखा था सागर में भी, चाहे गोपाल भार्गव हो या भूपेंद्र सिंह ठाकुर हो, दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो। हम लोग जब विधानसभा में जाते तो इससे घमंड की बात करते थे कि कुछ भी होता था हम लोग विरोध करते थे, तो कहते थे हम ऐसे ही सरकार चलाएंगे, हमारी मर्जी चाहे जो करे। इस तरह का व्यवहार आज एक का दंत हुआ दतिया में नरोत्तम मिश्रा, लोगों ने डट के विरोध किया और उसका अंत भी हुआ। भूपेंद्र सिंह जी भी आज मंत्री नहीं बने, गोपाल भार्गव जी मंत्री नहीं बने। कहीं ना कहीं परमात्मा के देर है, अंधेर भी है, निश्चित रूप से इन लोगों को भी सजा तो मिली रही है। आज मंत्री नहीं बने सरकार होते हुए, तो ये आवश्यकता है। हम सब लोग जितने भी नेता हैं सब मिलकर के लड़े, सब लोग संघर्ष करें। छोटी छोटी बातें कोई होती है, कोई घटना होती भी है, तो हम सब लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। अभी मैं बता रहा था सागर में किसी हमारे विपक्ष के नेता के खिलाफ 307 जा रहा था, तो इन सबको हम सबको जाकर के कलेक्टर एसपी से मिलना चाहिए, विरोध करना चाहिए और डट के मुकाबला करने की आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ये अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़े। हिम्मत नहीं आ रहे, हौसला रखे, चाहे समय कितना ही कठिन हो, लेकिन डर के भागने से काम चलेगा। लोगों को समझा तो निश्चित रूप से लोगों का दिमाग परिवर्तन होगा। काफी समय हो गया, ज्यादा समय लेना चाहता हूँ, फिर अगले दौर में फिर लोग बैठेंगे, अपन बातचीत करेंगे। आप सब धन्यवाद।